working hard on the ground to retain power. स्वागत कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, और राहुल कवल इस सेशन को मॉडरेट करेंगे. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज तक की मध्य प्रदेश पंचायत में. हमारे अगले मेहमान को क्रिकेट का बड़ा शौक है, तो अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो मध्य प्रदेश का ये आने वाला चुनाव एक बदले का मैच है दो खिलाड़ियों के बीच. एक तरफ हैं कमलनाथ, जिन्हें लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें बदला देने की जरूरत है, और दूसरी तरफ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें लगता है कि कांग्रेस ने उनके साथ दगा किया और अब उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली. इस वजह से उन्हें मजबूरी में बीजेपी आना पड़ा. बदले का ये मैच मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, इस पर बात करने के लिए भोपाल में आज तक की इस पंचायत में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का. सिंधिया साहब, स्वागत है आपका. आप देर रात एक लंबा सफर तय करके खासतौर पर भोपाल आए आज तक की इस पंचायत के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मसरूफता में हमारे लिए वक्त निकाला. क्या आप इसको एक बदले के मैच की तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या कर पाते हैं, आपके इलाके में बीजेपी क्या कर पाती है, क्योंकि बदला लेने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तैयार खड़े हैं. पहले तो आपके कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दूसरी बात, जिस राहुल कवल को मैंने सदैव जिंदगी में पनाश के सूट में देखा है, आज नेताजी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं. मैं आज तक की मध्य प्रदेश की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राहुल कवल जी में यह परिवर्तन ला दिया है. ये परिवर्तन का दौर चलता रहे, इसी कामना के साथ आप सबके बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है. देखिए, जो आपने शुरुआत की, मैं अपने जिंदगी में कूटनीति बदले के भाव के आधार पर कार्य नहीं करता. मैंने अपने जिंदगी में सदैव जनसेवा को अपना लक्ष्य माना है. एक सकारात्मक सोच और विचारधारा के साथ कार्य करने की मैंने कोशिश की है, और जहां भी अन्याय मुझे दिखे तो उस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की सदैव मैंने कोशिश की है. मेरी व्यक्तिगत कोई, आपने कहा बदले की भाव, दुश्मनी, मेरी व्यक्तिगत कोई ना दुश्मनी ना बदले की भाव कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह के प्रति है. मेरी यही सोच और विचारधारा है. भारतीय जनता पार्टी ने जो 3.5 वर्षों में जो एक इतिहास रचा है मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति का, आप हर एक पैरामीटर में आप देख लो. 18 सालों में जो विरासत में 2003 में हमको मिली, एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश के रूप में हमें मिला, और आज 18 वर्षों में उस मध्य प्रदेश को एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. आप बड़े बुद्धिमान हैं, सब आंकड़े आपके पास भी हैं. अगर मध्य प्रदेश का इतिहास आप देखो, पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, 11,000 पर कैपिटा इनकम 2003 में थी. आज 1,41,000 रुपए पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बन गई है, करीब 12 गुना. मध्य प्रदेश की स्टेट की बजट जो करीब करीब 17,000 करोड़ तक सीमित थी, आज 2,74,000 करोड़ की बजट बन गई है, 20 गुना से भी ज़्यादा. मध्य प्रदेश की जीडीपी जो 71,000 करोड़ की थी, आज 13,22,000 करोड़ की जीडीपी बन गई है. तो आप अगर हर एक पैरामीटर पर देखो, जो प्रगति मध्य प्रदेश में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के वजह से, पहले सिंगल इंजन सरकार और 2014 के बाद डबल इंजन सरकार. सड़कों की स्थिति आप और हम सब अनुभव करते थे. हमको ढूंढने पड़ते थे कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। 44,000 किलोमीटर की सड़क 2003 में 18 वर्षों में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। बिजली के लिए गांव वाले को और शहर वाले को लट्टू ढूंढना पड़ता था और लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं होता था। जिस राज्य में 5,500 मेगावाट की बिजली थी, आज उसी राज्य में 29,000 मेगावाट की बिजली है। तो आंकड़े झूठ नहीं कह सकते, इनका सामना कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है, विकास और प्रगति के रास्ते पे चल रहा है, सशक्तिकरण के रास्ते पे चल रहा है और उज्जवल मध्य प्रदेश जिसके आधार पर प्रकाश पूरे राष्ट्र में हृदय स्थल पे से निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 5 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जिम्मेदारी थी कांग्रेस को जिताना। उस वक्त अगर उनसे ये सवाल पूछा जाता तो ठीक जो आपने अभी बातें बोली उसके विपरीत आपने कहा होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, अब आप बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? आप तो चूंकि दोनों इंजन्स के भीतर रह चुके हैं, दोनों गाड़ियों में क्या? आपका वाक्य बिल्कुल सही है राहुल। 5 साल पहले मेरा वक्तव्य अलग था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक ज्वालामुखी थी कि अगर जनता हमको मौका देगी तो हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। ये आस्था थी, ये एक विश्वास था। लेकिन 15 महीने में जो एक, अगर मैं कहूं, झूठ लूट और फूट की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, सभी आशाओं पर अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया, वादा खिलाफी बार बार होती रही। और जब उसके बाद आपको ललकारा जाता है और कहा जाता है कि सड़क पे आ जाओ तो क्या करोगे आप? तय नहीं करोगे कि आर या पार की लड़ाई हो जाए। और आपने शुरुआत में जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया राहुल, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मकसद या मेरी मंशा कुर्सी के साथ नहीं थी। हाँ, ये सही है कि आप कहो कि मेरा योगदान 1% था या आधा प्रतिशत था या न के बराबर था या जो भी हो, जो भी मेरा योगदान रहा हो 2018 के चुनाव में। जब मुझे बुलाया गया और कहा गया कि ये निर्णय लिया गया है फलाने फलाने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मैंने कहा आप बनाइए, मैं आज जाके समर्थन करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस परिवार की सोच, विचारधारा और लक्ष्य, मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब की बात करो, मेरे पूज्य पिताजी की बात करो जिनको आप भी जानते थे, या मेरी बात करो जिनको आप 20 साल से जानते हो, कभी भी इसकी दौड़ नहीं रही है। असूलों की दौड़, मूल्यों की दौड़, विकास की दौड़, प्रगति की दौड़। मैं कभी सीएम पद का उम्मीदवार ना तब था ना आज हूं। हां, विकास का उम्मीदवार जरूर हूं, प्रगति का उम्मीदवार जरूर हूं, न्याय का उम्मीदवार जरूर हूं। वो मेरी दिल की मंशा कभी 20 साल में नहीं रही है। तो मैं उस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे, मेरी विचारधारा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने कहा कि आप सीएम पद के दावेदार नहीं हैं। इस दफा मध्य प्रदेश में भाजपा साफ तौर पर बता नहीं रही कि अगला सीएम कौन होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया गया था कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी जीतती है। जब जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं से पूछा जा रहा है, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि जनता तय करेगी या चुनाव होगा तब हम देखेंगे, क्लियरली बोल नहीं रहे। आप जब इस कॉन्फ्रेंस रूम में आए, मैंने देखा कि लोगों की आंखों में एक नई ऊर्जा थी, एक फ्रेशनेस था। कहीं ना कहीं एक ये भाव भी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी 18 साल रह चुके हैं, अगर हम क्रिकेट के मैदान पे एक बार फिर से लौटते हैं कि मध्य प्रदेश को एक नए कप्तान की जरूरत है। देखिए, मैं मानता हूं कि केंद्र नेतृत्व ने, हमारा चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और ये निर्णय सारे राज्यों के लिए। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, 18 साल उनके नेतृत्व में ही हमारा प्रदेश ये प्रगति और विकास कर पाया है और आज उनके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में हम लोग साथ में मिलकर सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। और जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए किया है, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक होने के हैसियत से उनका कृतज्ञ हूं। और जो उनका नेतृत्व, एक ऊर्जावान नेतृत्व मध्य प्रदेश के लिए रहा है, उसका एक तरीके से मैं मानता हूं कि सौभाग्यशाली मेरा मध्य प्रदेश रहा है। आप जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तो आपके साथ कई सारे नेता हैं, उनमें से कुछ नेता अब वापस जा रहे हैं। मेरे पास पूरी सूची है, मैं नाम एक एक करके नहीं लूंगा, लेकिन कुल मिला के हमारी रिसर्च टीम ने आंकड़ा निकाला कि 6 महीने में कम से कम 40 नेता वापस कांग्रेस गए होंगे। ये आपके लिए थोड़ा एम्बेरेसिंग है कि आपके साथ आए, आप संभाल नहीं पा रहे, आप ही के लोग जिनको आप लेके आए वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? ये आपका एक अच्छा प्रश्न है राहुल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, और ये वास्तविक तौर में बलिदान है, क्योंकि आजकल के जमाने में राजनीति में सरपंच अपना सरपंच ही नहीं छोड़ता, 25 विधायक जिसमें से 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 15 साल बाद मंत्री बने थे, 2003 के बाद 2018 में मंत्री बने थे। इतना बड़ा त्याग, तपस्या, इसका जितना भी हम कहें वो कम होगा, क्योंकि ये तो नहीं कि आपने त्यागपत्र दे दिया और अगले दिन आपने जाके शपथ पत्र ले ली। आपको जनता के बीच में, जनता की अदालत में दोबारा चुनाव लड़ना था। वो पुराना जमाना गया एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर कि आप जैसे भी हो इधर से चले गए उधर से चले गए और मंत्री बन गए और विधायक रहे, चुनाव जीत के वापस आए। और कांग्रेस की आपने बात की, उपचुनाव 29 सीटों में हुई थी, 29 सीटों में से 28 सीट कांग्रेस की झोली में थी, और उस 28 सीटों में से 19 सीट कांग्रेस हार गई। तो किस वजूद की हम बात कर रहे हैं? अगर कांग्रेस का वजूद था तो क्या 2020 में उपचुनाव में जो सीट उनकी थी, ये नहीं है कि और शून्य से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, 29 में से 28 सीट उनकी, जिसमें से 19 सीट हार गए, तो इतने वापस क्यों जा रहे? इतनी बड़ी गाड़ियां आपको बता रहा हूं, 700 गाड़ियों का काफिला लेके। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के समय में जब चुनाव निकट आ जाता है, 2 महीने 3 महीने बाद बाकी हैं, तो ये आवागमन की नीति रहती है। अगर आपको लगता है कि उस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन इस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट मिलेगा, तो आया राम गया राम शुरू हो जाता है। तो फिर अब आप बोल रहे हैं आया राम गया राम, पहले बोलते बलिदान। नहीं, इसलिए नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सटीक प्रश्न आपने किया। आया राम गया राम होता है जब चुनाव निकट आ जाता है। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, मुझे आप एक उदाहरण बता दो इस देश के इतिहास में जहां 15 साल बाद सरकार बनी हो, 15 साल बाद व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बना हो, और 15 महीने के अंदर वो कैबिनेट मंत्री पद का त्याग देकर दोबारा चुनाव की रणनीति में जाए। मैं आपको अपने आप अनेक उदाहरण दे दूंगा जहां 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, भाई साहब नमस्कार हम चले, पर यह नहीं होता 15 महीने के अंदर। मुझे आप बता दो, आप स्वयं विशेषज्ञ हो, देश के किसी के चुनाव के बाद मुझे बता दो जहां 15 महीने में यह घटना हुई हो। पर चुनाव के पहले जिन लोगों को लगता है कि उनका एक आशा है, अभिलाषा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत बात है, उनकी आशा अभिलाषा है चुनाव लड़ने की, और उनको लगता है कि अगर फलाना मुझे टिकट नहीं दे सकता है तो ढिकाना मुझे टिकट दे दे, तो ये प्रस्थान शुरू हो जाता है। और उनके तरफ भी, उनके प्रति भी मेरी कोई दिल से कोई गलत भावना नहीं है, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ऐसी मध्य प्रदेश के सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह कहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ लोग आए थे उनको वादा किया गया था बाय इलेक्शन में टिकट मिलने का, अब एकदम मेरिट पे होगा। वो एक देखिए, मैं आपको बताना, चुनाव का वो चेक था, ब्लैंक चेक नहीं। देखिए ये आपकी पहले ही आपके दिमाग में ये गलती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा चर्चा नहीं होता कि राहुल जी आप आ गए हैं, अब आप लड़ते रहेंगे यहां, आपकी काबिलियत पर, आपके मेरिट पर, जनता के प्रति आपने जुड़ाव रखा है कि नहीं, क्षेत्र में आपने विकास किया है कि नहीं, आप टिकट के लिए आप उचित हैं कि नहीं, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चाहे आप 2018 में आए हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के 40 साल से आप कार्यकर्ता रहे हो, यहां टिकट का चयन कार्यकर्ता की क्षमता के आधार पर ही किया जाता है। एक और दूसरा, यहां कोई नेता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अवसर मिलेगा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्षमता है, जनता के प्रति एक लगाव है, जनता के साथ एक जुड़ाव है। तो यहां कोई एंटाइटलमेंट नहीं होता जहां दूसरे दलों में होता है। जब आप ग्वालियर चंबल संभाल रहे थे कांग्रेस के लिए, तो एक तरीके से सर्वे सर्वा थे कि जो भी आप चाहते, जैसे भी आप चाहते, वैसे ही टिकट बढ़ रही थी। यहाँ पे नरोत्तम मिश्र जी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, कुछ सांसद भी हैं, वीडी शर्मा जी जैसे, जो कि उसी इलाके में अपना वर्चस्व पाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको नहीं, आपके जो समर्थक है उनको थोड़ी घुटन हो रही कि वहां पे आप जो चाहते अपने लोगों को टिकट दिला सकते थे, यहाँ पे एडजस्ट करके चलना? देखो आप राहुल, कि अंत में निष्कर्ष और चर्चा और अवलोकन के आधार पे ही अमृत निकलता है। अंत में आपका लक्ष्य क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अगर राजनीतिक दल हो तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपका लक्ष्य है कि किसी को टिकट दे दो और 13 दिन या 14 दिन या 15 दिन के लिए वो छाती तान कर घूमे और अंत में अंडा आए? या आपका लक्ष्य है चुनाव जीतना? अगर आपका लक्ष्य पहला हो तो फिर ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल लागू है। अगर आपका लक्ष्य दूसरा है तो सबसे उत्कृष्ट प्रत्याशी को मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर भी 2018 में जो नाम मैंने दिए थे, मेरे समझ में, और मैं शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, आप भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं, मैंने केवल उत्कृष्ट प्रत्याशी का नाम दिया है। और नाम मैंने उंगली लगाई थी पूरे मध्य प्रदेश में सब दूर। और ना अब जो रिवॉर्डेड और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसी का नाम देना चाहिए। और आज भी इस श्रेणी में मैं कई लोगों का नाम दे रहा हूं जो मैं मानता हूं कि उत्कृष्ट हैं, जो शायद मेरे साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों। अंत में हमारा लक्ष्य क्या है? सरकार बननी चाहिए यार। हमारा लक्ष्य नहीं है कि अरे मैंने दिए इतने टिकट, कितने जीते? 1%। क्या मतलब है? राहुल गांधी से पूछा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। उन्होंने कहा कि ज्योतिर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े थे, और इनको बीजेपी में इज्जत नहीं मिलेगी। इन्होंने गलती की, इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत ज्यादा थी, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था, इनको इज्जत नहीं मिलेगी, इनको मजा नहीं आएगा बीजेपी में। आपका तो काफी बचपन से ही साथ रहा है, बहुत टाइम से आप राहुल को जानते हैं। उन्होंने कहा कि सब्र करना चाहिए था और दूसरा की इज्जत नहीं मिलेगी। उनकी राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अच्छा, आप बोलते नहीं हैं आरजी के बारे में कुछ? मैंने काफी कुछ बोला है, पर उनकी राय उन्हें सलामत। और आपकी राय? और अच्छा, ये हुआ ना जैसे मैंने क्रिकेट की बात की तो एक आउट स्विंगिंग बॉल है, उन्होंने बोला छोड़ दो भाई, ये नहीं छूनी। क्यों? मेरी राय शायद उनको सब्र करना चाहिए। वो तो कर ही रहे हैं सब्र इतनी देर से, उनका तो लंबा सब्र है। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये तो जनता निर्णय लेगी। मैं जानने में मेरी रुचि है कि आप राहुल गांधी जो कहते हैं उस बॉल पे बैटिंग क्यों नहीं करते? छोड़ते क्यों हैं इस बॉल को? मैंने कौन सा बॉल छोड़ा है? ये वाला जो मैंने बताया कि उन्होंने कहा। मैंने बोल दिया आपको जो बोलना था, उतना ही काफी। इसका मतलब नहीं कि मैं आपको 10 मिनट लंबा आंसर दूं तो आप संतुष्ट हो। मैंने एक शब्द में ही कह दिया क्या होना चाहिए। इस वाले को उन्होंने राहुल द्रविड़ की तरह खेला, सूर्य कुमार यादव की तरह नहीं। मैं तो केवल विराट कोहली और सहवाग की तरह खेलता हूँ राहुल। अच्छा, हाँ। और देख लेना आप, अगर मैं विराट कोहली और सहवाग की तरह नहीं खेलता तो 2020 ना होता। तो आप लोगों के वक्तव्य पर ज्यादा विश्वास मत रखो, लेकिन लोगों के एक्शन पर विश्वास रखो। इन्होंने बड़ा साइलेंटली कर दिया। वो सचिन पायलट वहां राजस्थान में एक तरीके से अपनी मसल दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो दिखा नहीं पाए, आपने खामोशी से कर दिया। और यहाँ पे कमलनाथ जी थे, उनको पता भी नहीं चला। अब मैं अपने अतीत में ध्यान नहीं देना चाहता हूं, मैं अपने वर्तमान और भविष्य में ध्यान देना चाहता हूं। वही व्यक्ति अपने अतीत में ध्यान देना चाहता है जो अपने अतीत में गुम हो जाना चाहता है। तो अगर आप अतीत में झांकना नहीं चाहते और भविष्य में देखना चाहते हैं तो आपको क्या दिखता है? 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को वहीं देखना चाहता हूं जहां मैं 2002 में था, जहां मैं आज हूं, और मैं जीवन के अंतिम क्षण तक रहूंगा। और वो है एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं, लेकिन एक अच्छा जनसेवक। तालियां खूब बज रही हैं आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, मेरे को समझ में आ गया। मैं देख रहा हूँ तालियां खूब बज रही हैं आपके लिए। थोड़ा ज्यादा कुर्ता पजामा पहन के मेरे साथ मध्य प्रदेश में घूमिए तब आपको समझ में आएगा। दिल्ली छोड़िए, दिल्ली बहुत दूर है। नहीं, यहाँ पे टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं दिल्ली में ही ठीक हूँ। थैंक यू। आप चिंता मत करिए। आप भारतीय जनता पार्टी में 5-6 साल काम करिए, फिर आपको टिकट मिलेगा। सर, एक जो सवाल मध्य प्रदेश की जनता में है वो ये कि भाजपा में अब नया क्या, चूंकि सेम सरकार रही है, सेम सीएम रहे, नए आइडियाज क्या है? अगर फर्ज कीजिए एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिलता है तो जनता ही जानना चाहती कि नया क्या, क्योंकि क्या होता है कि बहुत वक्त तक अगर कोई रहता है सत्ता में तो एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है कि नया कुछ नहीं है, उबासीन हो रहा है क्योंकि वही चीजें बार बार चल रही। तो नया क्या है? देखिए राहुल, यही होता है जब आप आज की इंटरव्यू के लिए कल रात को मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, मेरे पास तो कोई हैंडीकैप नहीं है, पर राहुल के पास ये नया तलवार आज के जमाने का आईपैड है जो पढ़ के प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए ठीक है, मुझे उत्तर देने दीजिए भाई। मैं ऐसा नहीं कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। मैंने कहा ना, मैं सहवाग की तरह बैटिंग करता हूँ। आप चिंता मत करिए। अगर आप मध्य प्रदेश में घूमेंगे, और मैं न्योता देता हूं मैं यहां से झाबुआ जा रहा हूं, तो आप जरूर चलिएगा मेरे साथ। और वर्तमान में जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी, 18 साल की सरकार होने के बाद भी मैं दावे से कह सकता हूं कि आज मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है, जो आपने कहा ना स्टेल हो जाता है, वही मामला है कि हम कभी रोकते नहीं। 2 तरीके की दौड़ होती है जिंदगी में। एक कि सुबह उठ के आदमी अपने पेस पर वॉक करे, जो सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं। दूसरा वो जो ट्रेडमिल पे चढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रेडमिल में चढ़ने वाली सरकार है, जो सदैव पेस अपने आप बनाती है। पिछले 3-4 महीने में ही देख लो आप, जितनी योजनाएं जनता के विकास और प्रगति के लिए हमने केवल घोषणा नहीं की कांग्रेस पार्टी के वादों की तरह। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? कर्नाटक में जो पोस्टर चिपकाया था वही पोस्टर को उठा के मध्य प्रदेश की दीवार पे चिपका दिया। हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो दे देंगे। अरे जो 15 महीने की सरकार ने क्या कहा था, जो आपके ने कहा ना, राहुल गांधी जी ने कहा था, उन्होंने हर मंच से, मैं मौजूद था, हर किसान का ऋण माफ होगा और अगर 10 दिन के अंदर माफ नहीं होगा हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना किसान का ऋण माफ हुआ, ना युवाओं को बेरोजगार भत्ता मिला, उल्टा सारी योजनाएं बंद कर दी। जिस सरकार की ये पृष्ठभूमि रही है 15 महीनों में, वो सरकार क्या करेगी ये गारंटी के आधार पर? मैं तो ये कहता हूं कि ये वादे नहीं है, लेकिन विश होंगे मध्य प्रदेश के लिए अगर ये लोग आएंगे सरकार के अंदर। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आपने की, मैंने इसलिए कहा आपको कि ये घोषणाएं नहीं है। शिवराज सिंह जी ने जो योजना शुरू की, लाडली बहना योजना, हर महिला के खाते में 1000 रुपया प्रति माह पहुंचाने की विचारधारा, वो जुलाई के महीने से महिलाओं के खाते में आज पहुंच रही है। बस चुनाव से आने पहले। नहीं, सुन लीजिए भाई, जवाब क्या था कमलनाथ जी का? चुनाव टाइम पे नहीं। अच्छा, मेरे लिए भी कुछ कुछ तालियां बज रही, मैं भी लड़ रहा हूं यहाँ पे चुनाव। नहीं आप छोड़िए, आप मत बजाइए। आपने क्रिकेट की बात की ना, ऑलवेज बी अ गुड स्पोर्ट। हाँ, कमलनाथ जी ने क्या किया? अरे राहुल ने कह दिया है 1000 रुपया हर महिला के खाते में, मैं दूंगा 1500। ये क्या कोई खेल या खिलवाड़ है भाई? आज हर 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रुपया हर महीना में जा रहा है, और वो हर महिला को घर के अंदर सशक्त करेगा। दवाई के लिए पैसा, अपने बाल बच्चों के लिए पैसा, एक सुरक्षा कवच है महिलाओं के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव नई सोच, नई विचारधारा, न्यू पैराडाइम शिफ्ट के आधार पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाजपा रेवड़ियों के खिलाफ है। बीजेपी अगर किसी को पैसा देती है तो वो होता है सामाजिक न्याय या सामाजिक कल्याण। कांग्रेस किसी को पैसा दे दे तो वो रेवड़ी। ये क्या परिभाषा है कि अगर आप किसी को पैसा दें तो वो एकदम महिलाओं का फायदा होगा या गरीबों का फायदा होगा, कांग्रेस किसी को पैसा दे तो ये रेवड़ियां। क्योंकि इस वक्त भी जो मध्य प्रदेश की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 4% हिस्सा फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि वित्तीय घाटा। जो फाइनेंशियल बजट मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है 2003 का, वो कहता है कि 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी भी जो वित्तीय घाटा है मध्य प्रदेश सरकार का, वो सरकार के कानून के से ज्यादा है। और ऐसे में अब आप पैसे दे रहे हैं तो आपको लग रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए राजस्थान में क्या हो रहा है अभी? नहीं, पर वो क्या डिफेंस हुआ? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, एक अंतर है राहुल। आपको यहाँ आर्थिक विशेषज्ञ के आधार पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, राजस्थान के बारे में कह रहा हूँ, नॉट विथ रिगार्ड टू जो आपने कहा योजना, मैं एफआरबीएम की बात कर रहा हूँ। यहाँ आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में बैठकर कहना कि ये एफआरबीएम की नियम है 3.5%, हम लोग 4% पर हैं। आप राजस्थान को देख लो, छत्तीसगढ़ को देख लो, पंजाब को देख लो, कौन सा विपक्षी राज्य उस एफआरबीएम के टारगेट के अधीन कार्य कर रहा है? मैं ये समझ सकता हूं अगर आप कहते मुझे कि जितने भी विपक्षी राज्य हैं वो एफआरबीएम के टारगेट के अधीन कार्य कर रहे हैं, केवल आपकी सरकार नहीं कर रही। नहीं, वो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। अरे भैया, मैं खाली आपको उदाहरण दे रहा हूं। पैसा चाहिए अधोसंरचना के लिए, पैसा चाहिए निवेश के लिए, और पैसा चाहिए सुरक्षा कवच के लिए। ये रेवड़ी नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। रेवड़ी तो वो होती है जो आप गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग नहीं, लेकिन संपूर्ण जनता के लिए आप कह दो कि ये मैंने रेवड़ी आपको दे दी। आज क्या जरूरत है भारत में आपको? आप भी आर्थिक अर्थशास्त्र के आप स्टूडेंट रहे हो, जैसे मैं रहा हूं। आज भारत में जरूरत है कि अगर विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभरना है तो क्या ये केवल सीमित 5% आबादी के आधार पर हो पाएगा? पूरे देश को उभरना होगा। इसका क्या मतलब कि जो 140 करोड़ जनता है, जो मध्य प्रदेश में, बाय द वे मैं आपको कहना चाहता हूं, 1 करोड़ जनता को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर हम लोग ला पाए, जो हमारी प्रदेश की 13% आबादी है, तो वो प्रगति और विकास हम लोग कर पाए। जब तक आप समूचे देश की जनता को उभार नहीं पाओगे तब तक भारत कैसे उभर पाएगा? और आप कहते हो प्रगति और विकास होनी चाहिए देश में। मैं क्षमा चाह के कहना चाहता हूं, हमारे देश में मेल डोमिनेशन बहुत हो गया। जब तक आप अगर समझते हो कि 50% आबादी को आप पीछे रखोगे, और केवल जैसे इस कमरे में भी मैं बताना चाहता हूं, बहुसंख्यक हैं पुरुष, मेरी महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। अगर जब तक महिलाओं को आप इस देश में आगे नहीं लाओगे तब तक ये देश प्रगति और विकास नहीं कर पाएगा। और मैं देखना चाहूंगा आज तक का नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, जहां अल्पसंख्यक को आप बहुसंख्यक बनाएं, और ये समय की मांग है। आपके चैनल पे तो मैं कहूंगा कि आपके चैनल पे जरूर हमारी महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान दिया जाता है, पर दर्शक गृह में भी जरा उसको जरूर करवाएं, तब हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। दिग्विजय सिंह तंज कसते हैं बीजेपी पे कहते हैं कि बीजेपी खेमों में बटी हुई है। एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा, एक है नाराज भाजपा, एक है शाह भाजपा। ऐसा है क्या? जब भी ये कुछ अच्छा बोलते हैं तो मेरे को टेंशन हो जाती है। दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं जितना न कहूं वो ज्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह जी को जान गई है। और जहां तक आप इस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस का अगर नाम लेना है तो झूठ फूट और लूट की कांग्रेस है आज मध्य प्रदेश के अंदर। चाहे कोई भी संभाग देख लो आप, 15 महीनों में जो हाल इन्होंने मध्य प्रदेश का करके दे दिया, 15 साल की सिंचाई, अगर मैं कहूं शब्द का इस्तेमाल करूं, 15 महीने में हासिल करने की कोशिश की, यही एकमात्र लक्ष्य इनका रहा है। आप दिग्विजय जी पे भी कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की कि मैं महाकाल में प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश में एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना। इसका जवाब तो मैंने दे दिया, यहाँ पे दीजिए ना। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर एक और दिग्विजय सिंह जी पैदा हो जाए। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल आए हैं वो एक तो फंसा हुआ चुनाव दिखा रहे हैं कि काफी टाइट फाइट है और मार्जिन ऑफ एरर के अंदर ही वोट परसेंटेज निकल के आ रहा है। दूसरी बात वो दिखा रहे हैं कि चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिणाम आ रहे हैं और जहां सबसे ज्यादा बीजेपी की कमजोर स्थिति दिख रही है वो आपके गढ़ ग्वालियर चंबल में आ रही है। उसको आप कैसे अब से लेके वोटिंग डे तक, इसके बारे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, मैं तो आपको ये कहूंगा कि देश में कौन सा ओपिनियन पोल ने मध्य प्रदेश की स्थिति 2018 की प्रिडिक्ट की थी? हमारा पोल एकदम सही था, एकदम हर सीट पे एकदम एग्जैक्टली। मुझे आप आंकड़े दिखा दीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा ओपिनियन पोल ने ग्वालियर चंबल का नतीजा बताया था कि 34 सीट में से 26 सीट कांग्रेस को आएगी और एक बीएसपी को जाएगी? मध्य प्रदेश के अंदर कौन से ओपिनियन पोल ने विंध्य क्षेत्र का नतीजा प्रेडिक्ट किया था कि 24 सीटों में से 22 सीट भाजपा के कोटे में जाएगी? देखिए, ये ओपिनियन पोल्स आते हैं और जाते हैं। जैसा आपने जो पहला प्रश्न किया ना कि लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं बीजेपी के अंदर, आपके लोग जा रहे हैं कांग्रेस में, ये आवागमन जैसे राजनीतिक दलों में होता है वैसे ओपिनियन पोल्स में भी होता है। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया, किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेना है, दिन रात मेहनत करना है, जी जान लगाना है और तभी नतीजा निकलता है। और इस चुनाव के लिए भी हम लोग सब, पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक, एक एक कार्यकर्ता, और मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूं, पूर्ण रूप से, संकलित रूप से कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक संभाग में जबरदस्त नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हमारा वक्त खत्म हो रहा है, आपको कई सारी सभाओं में भी जाना है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री के, हाँ मैं कल आ सकता हूं, कल आप बुलाएं तो मैं आ सकता हूं। चलिए, नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पे मध्य प्रदेश में आप दर्शकों को, यहाँ पे जो वोटर आपको देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? अब तक कुछ कुछ कनेक्टिविटी जो बनी है, उसके आगे का आपका प्लान और विजन क्या? देखिए, मेरी ये सोच है कि अगले 5-10 सालों में देश में हम लोग एक क्रांति का अनुभव करने वाले हैं नागर विमानन क्षेत्र में। आज मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष रखना चाहता हूं राहुल। 2013-14 में हमारे देश में 6 करोड़ घरेलू यात्री थे। 2019-20 में हमारे देश में 14.5 घरेलू यात्री रहे, मतलब 130% वृद्धि है। और मैं आपके शो पे ये कहना चाहता हूं दावे से कि 2030 और 2032 के बीच में हमारे देश के अंदर 14.5 करोड़ घरेलू यात्री से 42 करोड़ घरेलू यात्री होने वाले। आज व्यक्ति चाहता है नागर विमानन से यात्रा करने के लिए। हमारे देश के अंदर 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 75 एयरपोर्ट्स और ऐड हो चुके हैं, 149 हो चुका है और 2030 तक ये आंकड़ा हम 220 तक ले जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नागर विमानन एक फंडामेंटल नींव बनने वाली है ट्रांसपोर्टेशन का भारत के अंदर। कल मुंबई में एक प्राइवेट प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, आप मंत्री हैं, अब तक आपकी रिपोर्ट में क्या निकल के आया? देखिए, ये रिपोर्ट 24 घंटे में नहीं होती। हम लोगों का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो इस पर पूर्ण रूप से बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूरी तथ्य आएंगे, लेकिन जो मुझे प्रारंभिक सूचना है कि बारिश बहुत हो रही थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी, 700 मीटर की विजिबिलिटी थी, अप्रोच प्लेन का बिल्कुल ठीक था पर फिर 30 डिग्री लेफ्ट की तरफ बैंक हो गया वो और उसी के जरिए वो हादसा हुई है। दुखद हादसा है, भगवान के आशीर्वाद से किसी की जान नहीं गई लेकिन काफी कुछ घायल हुए हैं लोग। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हों और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में जो सूचना आएगी उसके तहत हम लोग इंक्वायरी करेंगे। कल 3.5 घंटे का सफर करके आप भोपाल आए, इसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का सफर करना है अपनी सभा के लिए। इतनी मसरूफता में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके साथ सदैव बैठने में बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। India's biggest international event, India's most amazing global power flex, and India watched it on one channel. The biggest team from the venue, the most watched anchors, blazing fast images and news breaks, and first with the only voices that mattered. The end result, total viewership domination. India has a new national consensus. Bharat watches India Today. Tesla is now preparing for its big drive into India. The Elon Musk-owned electric vehicles company had sourced $1 billion worth of components last year and also targeting a figure of $1.9 billion this year. Revealing this, the Commerce Minister Piyush Goyal added that the company was interested in coming to India. Tesla has been in talks with various ministries for an entry into the nation. The recent reports also suggest that the Musk-owned Starlink may also be now allowed to start services in India. Already last year bought $1 billion of components from, I think, all of you sitting here. I have the list of companies who supplied to Tesla. This year their target is nearly $1.7 or $1.9 billion. Yesterday I had a conversation with some of the other auto industry participants and they also indicated that they have interest in coming to India. हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। It was a difficult and ambitious target. But the 18th G20 was successful in all its parameters. It set the agenda for the divided world and taught it to live together with individual differences. When the world couldn't be brought together to agree on a conflict, when the war in Ukraine polarized the world, the 18th G20 president showed the world how to address the crisis from the point of view of the affected. सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन 55 countries association, the African Union was voted as the new permanent member to the group because Africa, consisting of the most members of the global south, is reeling from the after effects of war in Ukraine. आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। When the dragon threatens the world with its nefarious financial aid as loan, India as G20 president